नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूं अरिशा सिद्दीकी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। खबर इटावा से है, जहां थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टडवा इस्माइलपुर निवासी सोनम ने एसएसपी इटावा को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि वह अपने पुश्तैनी जगह में मकान बनवा रही हैं तथा आज लेंटर पड़ना था तो विपक्षी गण एक राय होकर मेरे लेंटर नहीं डालने दे रहे हैं। मेरे पति की मृत्यु करीब 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है। मेरे 2 नाबालिग पुत्र हैं। मेरे इन बच्चों के अलावा कोई भी देखरेख करने वाला नहीं है। पीड़ित जब अपने मकान का लेंटर डलवाने का काम करवाने लगे तो विपक्षी ने गाली गलौज करते लेबर मिस्त्री को भगा दिया। विपक्षी हम लोगों पर झूठा मुकदमा कर जेल भेजने तथा जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित ने एसएसपी इटावा से गुहार लगाई है कि मेरे मकान का लेंटर डलवाए जाने की कृपा करें एवं हम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मेरा नाम मयंक सिंह है। ये क्या मामला है? मामला ये है कि मेरी जगह पड़ी है गांव में पुश्तैनी, तो वहाँ पे पहला सिंह अपने आप को खुद को रिटायर्ड दरोगा बताते हैं। हम झूठा मुकदमा लगा के जेल भेज देंगे और हम 2 भाई हैं। मेरे पिताजी 5 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी ये माताजी खड़ी हैं, कोई मेरी सुनवाई नहीं करता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान, लेंटर नहीं डालने दे रहे हैं और मेरे पास एक वीडियो भी है। गाली गलौज करते हैं, आए दिन धमकी देते हैं कि हम झूठा मुकदमा लगा कर तुम्हें जेल भेज देंगे और वगैरह वगैरह, मतलब छत पे चढ़ के कल मेरे लेबर मिस्त्री जो थी काम कर रही थी, लेबर मिस्त्री मजदूरों को सभी को भगा दिया। हमारा लेंटर नहीं पड़ने दे रहे हैं। मैं निवासी ग्राम टडवा इस्माइलपुर का हूँ, थाना वकीवर जिला इटावा। ये आपके पिताजी के नाम से जमीन थी क्या? हाँ, ये मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन है। ये पुश्तैनी करीब 50 वर्ष पुरानी ज़मीन है। इसके कागज़ भी मेरे पास हैं, लेकिन फिर भी एक गुंडई के साथ में क्या कह रहे हैं कि हम बनाने देंगे, लेंटर नहीं डालने देंगे और ये तो हम मार देंगे तो मैं जान से मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, झूठा मुकदमा लगाकर जेल भेज देंगे, अपने आप को रिटायर्ड दरोगा बताते हैं। हम सिर्फ 3 लोग हैं, मेरी एक माताजी हैं और हम 2 भाई हैं, एक मैं और एक मेरा भाई 13 वर्ष का, मेरी उम्र 16 साल है। कब से चल रहा है ये? 2-3 साल से बराबर परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम छोड़ते थे, छोड़ो छोड़ो मेरे, अब लेकिन आके जा कल तो बिल्कुल हद ही कर दी। कल तो ईंट वीट मारने लगे, ईंट मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे पास वीडियो भी है। इस संबंध में आपने कहीं शिकायत की? हाँ, मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को दिया, चौकी प्रभारी जी को दिया और योगी जी को ऑनलाइन किया है। और एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आप थाने जाइए तो हम थाने फिर से दोबारा जाएंगे, देखते हैं क्या होता क्या नहीं। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।